सभा में पांचाली का जो कौरवों ने अपमान किया, गुरु द्रोण, भीष्म और पांडवों ने भी सिर्फ अधर्म का ही सम्मान किया, वहां बैठे धर्मराज और उनके भाइयों का रक्त खौल उठा, तुम सबकी मृत्यु मेरे हाथों होगी, भीम सभा में बोल उठा। उस दिन द्यूत सभा में महासंग्राम का ऐलान हुआ, काल भी ये दृश्य देखकर भयभीत और हैरान हुआ। यहां से दुश्मनी का एक नया अध्याय आरंभ हुआ, कुछ समय के पूर्व ही महाभारत प्रारंभ हुआ। आमने सामने खड़े हुए अपने ही तो घर वाले थे, कुरुक्षेत्र के ऊपर छाए हुए बादल सारे काले थे, गुरु और दादा देख अर्जुन का गांडव छूट गया, पर उसका रथ कौन हाँक रहा था, ये अर्जुन कैसे भूल गया। अर्जुन का चेहरा देख माधव रथ से खड़े हुए, भूल गए क्या अपमान पांचाली के साथ जो बड़े हुए। अर्जुन अब भी ना हो पाया था युद्ध के लिए तैयार, फिर शुरू हुआ श्री कृष्ण का भगवत गीता सार। केशव ने फिर रथ को आगे की ओर बढ़ाया, अर्जुन ने अपने सामने दादा भीष्म को ही पाया। अर्जुन का बाण पितामह के बाणों से टकराकर टूट गया, उसी पल अर्जुन का गांडे उसके हाथ से छूट गया। देख माधव बोले, अर्जुन को ऐसे ना मरने दूंगा, पितामह के बाणों से ऐसे ना मैं डरने दूंगा। क्रोधित हुए माधव ने रथ का पहिया उठा लिया। देख भीष्म ने ये दृश्य सारे वचनों को ही भुला दिया, हाथ जोड़कर खड़े हुए और जीवन जीने का मोह मिटा दिया। उसी पल अर्जुन ने भीष्म पितामह को शरशय्या पर लेटा दिया। भीम ने भी एक एक कर 99 भाइयों को मार दिया। उसके बाद दुर्योधन की जंगा पर भी वार किया, माधव की माया से मायावी भी हार गए, श्री कृष्ण की लीला से पांडव महाभारत को पार गए। धन्यवाद।